Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे मोहब्बत करने वाले कम न होंगे. For your own status, right? क्योंकि आप मिसेस जुनैद हैं, और जब तक आप गरीबों में राशन तकसीम करते हुए तस्वीरें नहीं खिंचवाएंगी, आई एम श्योर आपको सवाब नहीं मिलेगा, है ना? आतिफ, तुम किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो? आती, पकड़े गए ना तुम. मुझे लगता है तुमने कोई पसंद कर ली अपने लिए, है ना? इस बात का तुम्हें तब एहसास क्यों नहीं हुआ जब तुमने मुझे प्रपोज किया था? जब अचानक यहाँ से जाकर म्यूजिक के पैशन को पूरा करने का मौका मिला, तब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम कितने नॉन सीरियस हो. तुम्हारे तो फ्यूचर का कुछ पता नहीं. फिर तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हुई, और फिर आधे रास्ते में मुझे छोड़कर तुम ऐसे गए कि तुम्हारे जाने से 3 दिन पहले मुझे पता चला कि तुम यूएस जा रहे हो, और 4 साल तक पलट कर मेरी खबर भी नहीं थी. और आज मेरे सामने बैठकर तुम मुझसे सॉरी कर रहे हो. ये भी कहने के लिए कि तुम बेशक मुझे माफ ना करो, मुझसे नफरत करो, मेरा एतबार ना करो, लेकिन प्लीज प्लीज आशम से शादी मत करो. क्यों क्यों नहीं करूं मैं हाशिम से शादी? इसलिए कि तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकती. तुम इस मंगनी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो. प्लीज मेरी बात मान लो तुम हाशिम. देखो चारा, तुम मुझसे नफरत करो, मुझसे गिला करो, मुझसे शिकायत करो, मुझसे बदला लो, सब कुछ करो. नफरत करने का हक है तुम्हें, लेकिन खुदा के लिए अपने आप से बदला मत लो. मत बदला लो अपने आप से. एक बार मैंने तुम्हारी खुशियां छीन ली थी, और अब तुम खुद अपनी खुशियां छीन रही हो, और मैं ये नहीं होने दूंगा. एंड दैट्स अ प्रॉमिस. अरे आतिफ, आ जाओ बेटा. अरे मेरी गुड़िया तो बड़ी प्यारी लग रही है. भाई आ जाओ, आतिफ तैयार हो गई है. मामा, आतिफ कहाँ जा रहा है? बेटा तुम्हारे साथ जाएगा ना, आज हाशिम की अचकन की ट्राई है. वो लड़का इधर अच्छे से बता सकेगा. कैसी बातें कर रही हैं आप मामा? हम लोग डिजाइनर के पास जा रहे हैं, वो हमारी हेल्प कर देगा, और हाशिम को सब पता है. आतिफ क्यों जाएगा? बेटा तुम्हारे अब्बू उसको कहे थे कि तुम साथ चले जाना, और तुम तो जानती हो हाशिम हर वक्त सूट पहने रहता है. उससे तो कोई आइडिया ही नहीं है अचकन का. आतिफ तो जैसे हर वक्त अचकन पहने रहता है. उफ़ सारा क्या हो गया बेटा, मैं कैसे उसको मना करूं? इट्स ओके, आप मना मत करें, मैं कर देती. एक्चुअली जुबैर चाचा को तो मैंने खुद ही मना कर दिया था. मैंने कहा था कि अब मैं कबाब में हड्डी बन के क्या करूंगा. एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही थी. इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत है? अच्छा किया जो पापा को मना कर दिया. लेकिन हाशिम को मना नहीं कर सका मैं. हाशिम ने मुझे कॉल की, हाशिम ने कहा यार तूने जरूर आना है. सो आई वाज लाइक ओके. लो सुन लो, अब देखे ना कि घर के होने वाले दामाद को तो मैं मना नहीं कर सकता. तो खानदानी रिवायात के क्या कहते हैं चाची, एन खिलाफ. जी बिल्कुल. क्या, लेट्स गो. चलो बेटा जाओ, शाबाश. चलो, लेट मी बी शिवलेस एनफ फॉर यू टू ओपन द डोर. मैडम बाय, खुदा हाफिज बेटा, हैव फन. रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन फबिअय्यि आलाए रब्ब
रब्बिकुमा तुकज्जिबान। बहुत दर्द है वाले की तिलावत में। फ्लोरा बाजी, मुझे तो लगता है बाले के दिल में ना कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा है। हादसा ही कुछ ऐसा हुआ था पिंकी। हैं? हादसा? अकेला है बेचारा, ना माँ बाप, ना रिश्तेदार, ना बहन भाई, किसी रिश्ते की पुप्पी के यहाँ पला बड़ा हुआ है। अब तो वो भी मर गई, अकेला है, कोई आगे पीछे नहीं। तो शादी कर ले, अपना घर बसा ले। उसकी पुप्पी ने रिश्ते की बात चलाई थी, 4 साल पैसे जोड़ने के बाद लड़की ने शादी से इनकार कर दिया और किसी और से शादी कर ली। दिल टूटा हुआ गरीब का, इसलिए इतना कड़वा बोलता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। तो फिर कहीं और शादी कर ले। नहीं करता, कहता है और औरत से एतबार ही उठ गया। लो फ्लोरा बाजी, अब एतबार तो करना ही पड़ता है, अब 5 उंगलियां को बराबर तो नहीं ना होती। लेकिन जिसके दिल में जख्म हो ना, तो उसके दिल में एतबार की कोई जगह नहीं रहती। भाई दुनिया में कोई अच्छी अच्छी लड़कियों की कमी है? प्यार करने वाली, घर संभालने वाली, काम काज करने वाली, मेरे जैसी। पागल, लेकिन तुम्हारी तो शादी तय हो गई है ना, और वैसे भी तुम शादी के बाद दुबई चली जाओगी, वरना मैं बाले को जरूर समझाती कि लड़की कितनी अच्छी है, खूबसूरत, समझदार, निभाने वाली। किस कदर शरीर गर्मी है ना, एक रोजे का सवाब 2 के बराबर मिलना चाहिए जितनी गर्मी है। वैसे ज़ारा, ये मंगनी करा के बंदा हंस हंस नहीं जाता यार, हर वक्त तैयार ही रहना पड़ता है। अब देखो तुम कितनी मेहनत और वक्त लगा के तैयार हुई हो, अब आशिम साहब तुम्हें एक नजर भी ना देखे तो कितनी ज्यादती होगी। वैसे अच्छी लग रही हो कि अब एक नजर तो डाल ही लेते। मुझे तो हैरत हो रही है, अचानक इतनी दोस्ती कैसे हो गई तुम्हारी हाशिम से कि स्पेशली फोन करके उन्होंने तुम्हें बुलाया। तुम तो जानते हो कि हाशिम को अब रोजे की आदत से हूँ, अब झूठ तो नहीं बोल सकता मैं। पता क्या, उसने नहीं बुलाया था, मैं खुद ही जा रहा हूँ। I'm sorry, I know मैंने गलत किया है। आतिफ, तुमने कभी कोई काम सही किया है? अब प्लीज मुझे ड्रॉप करके घर चले जाना, हाशिम मुझे ड्रॉप कर देंगे। राइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो साहब जी तो अब सो रहे हैं, और आप सुनाए कैसे हैं? वो कामरान साहब तो ठीक ठाक है ना? मैं आऊंगा किसी दिन आपके बंगले पर, बहुत याद आती है आप लोगों की। अरे वक्त तो ऐसा है जैसे पर लगा कर उड़ रहा हो, पता ही नहीं चलता। अभी कल ही की बात लगती है, आपकी शादी पर माशाल्लाह सब ठीक ठाक है, साहब जी, बेगम साहिबा, अब तो जी। वैसे आपको अपने घर में खुशबाश देकर बहुत सुकून मिलता है मुझे, अल्लाह हमेशा ऐसा ही रखे। आपको तो बहुत सुकून मिला होगा ना खादिम हुसैन, मेरी खुशियों में आपने तो बहुत अहम किरदार अदा किया है ना। आप अब तक नाराज हैं? अब देखें ना, सोने रब ने आपको कितना अच्छा घर दिया है, वो लड़का तो ऐसी मामूली। खादिम हुसैन, बेहतर है कि आप सिर्फ अपने काम से काम रखें, और मुझसे या किसी और से कोई भी फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। और सही कहा आपने, वक्त वाकई बहुत बदल चुका है। मैं वो छोटी बच्ची नहीं रही जिसकी खुशियां बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो जी मैंने साहब की नमक हलाली की थी। अरे वो लड़का किसी भी तरह से आपके काबिल नहीं था, कहाँ वो मामूली सा लड़का, कहाँ कामरान साहब, कोई जोड़ी नहीं था। मैंने तो जी
साहब की इज्जत से वफा निभाई थी बस। और खादिम हुसैन, बेहतर होगा कि अब भी आप साहब से ही वफा निभाएं। पुराने किस्से छेड़ने की हरगिज जरूरत नहीं है। मैं तो पता नहीं कब का आपको नौकरी से निकाल चुकी होती, लेकिन लेकिन आपके सफेद सर का लिहाज कर रही हूं अभी तक। Well, thank you so much, जारा। आपने अचकन का काम करवा दिया, वरना सुबह शाम पुपी भाभी मुझसे अचकन की ट्राई का सवाल कर रही थी। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से जाना है, 10 बजे मेरी मीटिंग है। वैसे आपने ठीक किया कि आप आतिफ को साथ नहीं लाई। मैंने तो उसको सिर्फ फॉर्मेलिटी में मैसेज कर दिया था कि वो भी साथ आ जाए। यू हैव बीन अ गुड गर्ल जारा, और मैं वैसे भी नहीं चाहता कि मेरे और आपके बीच कोई दूसरा बंदा आए सिवाय आपके बिजनेस के। भाई मेरे और बिजनेस के बीच तो आप आ चुकी हैं। ओके फिर बाय। ओके बाय। पापी, ये सारे मैं लेके आई हूँ जो पहनावनिया देंगे ना हम उसके डब्बों पे सजाने के लिए, कैसे अच्छे? अच्छे हैं। अच्छा सुनो, मैं बाले के पास गई थी माइयों का जोड़ा देखने के लिए, बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन मुझे कमीज थोड़ी ढीली लग रही है, तो तुम उसको बता देना। मैं उसे बता दूंगी, पर मुझे ये बताएं कि जारा किधर है। अरे मम्मी को लेके हॉस्पिटल गए वो और आतिफ। आपको पता है कि हाशिम इस्लामाबाद गया है? अच्छा, जारा को मालूम है कि वो इस्लामाबाद गया है? होगी, उसको पता होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से उसको नहीं पता कि वो इस्लामाबाद गया है। तो उसको पता होनी चाहिए उसके वेयर अबाउट्स। कम ऑन पॉपी, कैसी स्टूपिड बातें कर रही हो तुम? क्या ये जरूरी है कि बिजनेस की और ऑफिस की बातें सब आकर घर पर की जाए? ये गया होगा किसी काम से, सुबह गया है शाम को आ जाएगा, शाम को ना आया तो कल सुबह आ जाएगा। What's the big deal? Come on. खैर, मैं जरा जाती हूँ बाले के पास, मैं देख लूँ जारा के कपड़े तैयार हुए कि नहीं। Let's carry on. पॉपी दीना मम्मी की बेटी है, चाहती है हर चीज उसको बताओ, उसको पूछ कर करो। Thank God जारा ऐसी नहीं है। हाँ, उसे ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्या बेवकूफी की बातें कर रही थी ये पॉपी? Now we should get out of this. I agree. कामरान भी यही भुगतता होगा रात दिन सवाल जवाब की कचेरी। अच्छा सुने, या एसी तो दूसरा लगवाएं, पागल हो जाते हैं गर्मी के अंदर, रमजान में बहुत मुश्किल है भाई। अच्छा अच्छा, आपकी कभी कोई फरमाइश हमने टाली? बस कल ही लगवाएं आप एसी। आज ही लगवा देते हैं। ठीक है ठीक है। पिंकी वैसे तो ये ठीक है, लेकिन फिटिंग नहीं इसकी अच्छी, इसको और फिट होना चाहिए। और जो ये वाली शर्ट है ना, तो बाले से कहो कि 2 से 3 इंच ना इसकी लेंथ कम कर दे, ठीक है? बाले से कहना, जैसे वो बड़ी ही सुनता है, उसने नहीं किसी की बात सुननी होती। पहली बात तो ये कि वो किसी की बात सुनता नहीं, दूसरी बात ये वो आगे से ना हाँ करता है ना करता है, सिर्फ अपनी मर्जी से कैंची चलाई जाता है, बड़ा ही कड़वा सा इंसान है। हाँ पता नहीं ऐसा क्यों है वो। मुझे पता है जी वो ऐसा क्यों है, उसके ना दिल में मेरे लिए ना बहुत प्यार है, पर बताता नहीं है। जब भी तो इतना सड़ता जा रहा है, अंदर से कड़वा होता जा रहा है। भाई बला पूछे, तुम बता दो बंदे कि तुम्हारे दिल में क्या है। बाला तुम्हें पसंद करता है? हाँ जी, पर वो बता नहीं सकता। आपको तो पता है लड़कियों में कितनी क्वालिटी होती है, कि कोई लड़का उसे पसंद करता हो ना, तो वो पहचान जाती है कि ये ना मुझे पसंद करता है। अब देखें, आपको भी तो हाशिम भाई पसंद करते हैं ना, आपको तो उनकी आंखों में दिख जाता होगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। बस बाले भी ना बोलेगा कभी नहीं ये, मैंने ना शादी करके ना दुबई चली जाना अकरम के साथ, इसने फिर भी नहीं बताना, और ये ना इसकी सबसे बड़ी गलती होगी। ब
बंदा बता दे कि दिल में क्या है, दिल में रखने से ना बंदा सड़ जाता है, और बंदा जब सड़ जाए ना तो बड़ा ही कड़वासा हो जाता है। वैसे ना बंदे को जो बात दिल में हो ना वो कह देनी चाहिए, सामने वाले को भी पता चल जाता है और बंदा आप भी रिलैक्स हो जाता है। बताए ना सही कह रही हूँ? हाँ, जनाब कामयाब शादी का यही सबसे बड़ा राज है कि बीवियों से राज रखे जाए। और अगर बीवियां यही काम करें तो आई एम श्योर कि मियां बीवी भी आपस में बहुत सारी बातें छुपाते हैं, स्पेशली बीवियां। मसले तो नहीं सही लेकिन छुपाती जरूर है, एंड विच इज प्रिटी, इट्स ओके। हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, अपनी कुछ बातें होती हैं, मैं इसको बुरा नहीं मानता। और वैसे भी औरतों की आदत होती है कुछ ना कुछ खोज लगाने की, बस मियाँ के खिलाफ कुछ नेगेटिव मिल जाए उसके बाद मियाँ के खैर दें, ऐसा ही है ना? और इसीलिए बीवियों से सब कुछ छुपा लिया जाता है क्योंकि उनको ये डर होता है कहीं वो एतराज ना करें और सवाल ना करें, है ना? तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हर बात बताना जरूरी नहीं होता बीवी को, बस यही ना कि किसके साथ सफर हो रहा है, होटल में किसके साथ स्टे कर रहे हैं और किसके साथ घूम फिर रहे हैं, यही सब कुछ नहीं बताना चाहते ना? क्या तुम नहीं समझते कि जब बीवी की सारी जरूरियात पूरी हो रही हो तो क्या उसको इस किस्म के सवालात करने चाहिए? हर जरूरत अगर बीवी की पूरी हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि वो कोई सवाल ना करे और चुप करके पड़ी रहे। मैं समझता हूँ कि बीवी को सिर्फ इस बात का इत्मीनान होना चाहिए कि उसकी जगह कोई और नहीं ले सकती, और बीवी को इस बात का भी इत्मीनान होना चाहिए कि उसकी जगह दूसरी नहीं ले सकती। गुड गर्ल। और वैसे भी अगर सब लोग अपनी अपनी जगह पे रहें तो कोई टेंशन ही नहीं। तुम्हारे ज्वेलर की पेमेंट करवा दी थी, तुमने कुछ नया ऑर्डर किया है क्या? उस तक नया बिल भेजा? खैर वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। कभी हमें भी तो अपनी ज्वेलरी पहन के दिखाओ। I'm done. जकी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, तुम्हारी पसंदीदा कैरमल चॉकलेट और तुम्हारे पसंदीदा चिप्स। कहाँ हो ओल्ड मैन? जकी, जकी, दादा, जल्दी सारा को बुलाओ। मुहब्बत करने वाले कम, मुहब्बत करने वाले कम। ओ मैडम, आप सारी रात रोती रही, सोई भी? वैसे अच्छा है, जितना रोना धोना ना अभी रो दो, फारिग कर दो सब कुछ, सारी उम्र रोने धोने से तो बेहतर है ना। दादी प्लीज, देर हो रही है ना, एक सिंपल टेस्ट करवाने तो जाना है लैब से, क्या फर्क पड़ता है? आपकी तैयारियां नहीं खत्म हो रही हैं? अरे बहुत फर्क पड़ता है भाई, कमाल करते हो तुम। दादी आपकी तैयारियों में ना लैब बंद हो जाएगी, वैसे भी रोजों में थोड़ी देर के लिए खुलती है, जल्दी करें प्लीज। हाँ तो ईद कब है? करने वाले